छात्रों का स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपका वो वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सेट बी का कंप्लीट आंसर देने के बाद यहाँ पे मैं आपके लिए सेट ई का पूरा पेपर और उसका एक कंप्लीट आंसर लेकर आ चुका हूँ। यकीन मानो यदि आपने मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर यहाँ पर एक एक क्वेश्चन रट कर घोल कर पी जाओ और यकीन मानो छात्रों करने के बाद यहाँ पे आज के हिंदी के पेपर में आप यहां पर इतिहास बनाओगे और एक एक क्वेश्चन आप यहां पर छाप कराओगे, 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धुआं और आग लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके यहां पे 2, 3 और इसके बाद 4 आपके, इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 6 से आंसर बताएंगे। ये आपका पेपर सेट भी है। तो यदि आपने यहाँ पे आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैं पिछले आपके यहाँ पे सेट पर मैंने दे दिया है। और आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन रटना है क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें रट के जाना है, क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद से आप क्या समझते हैं। तो छात्रों याद कर लेना, पूरा आपको रात का समय है और इसके बाद आपको सुबह का समय, 2 सेट कर लो और यकीन मानो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपका यहाँ पे 100% गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। कल कमेंट कर देना मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। चलो आपका आंसर यहाँ पे छायावाद क्या है, इससे क्या समझते हैं, आंसर आपको पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सेट बी के आंसर है, आपको मैं यहाँ पे सेट ई का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 का अथवा क्वेश्चन, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया है। आपको आंसर 6 का आंसर अथवा का आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन 7वां, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका अथवा क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया। आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन रट लेना। ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लो और इसके बाद पेपर देने सेट बी करके चले जाओ। आपको मैं 2 सेट हमेशा देता हूँ आपके हर पेपर के पहले, तो आपको इसे याद करके जाना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां, देखिए 8वां क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। यहाँ पे कवि ने गांव के हरता जन मन में क्यों कहा है, आपको आंसर इसका याद करना है। आपको यहाँ पे लिखा है यहां से लेकर आपको यहां तक आंसर याद करना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन, अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई दिया, आपको 8 का अथवा का आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक करना है। तो चलिए जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो यही एक आपके पास आखिरी मौका है, याद कर लो एक एक क्वेश्चन रट लेना। चलिए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6 से 12वीं, IIT, JEE वाली या फिर नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या फिर अन स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE वाली नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं ट्रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे 9वां क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपका क्वेश्चन आने वाला है कौन सा, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रौद्र रस की आपको यहाँ पे परिभाषा आपको याद कर जाना है। आंसर यहाँ से देखिए, जहाँ क्रोध भाव की व्यंजना होती है वहां होता है आपका रौद्र रस, ठीक है। श्री कृष्ण के सुन भजन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सत्सु अपना भूरकल करतल युगल मनने लगे, आपको आंसर याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और आपको यहाँ पे आपको इसका उदाहरण, तो आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको 10वां, यहाँ पे आपको हास्यरस, आपको ये क्वेश्चन, आपको देखो हर एक क्वेश्चन आपके सही आंसर दिए जा रहे हैं, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टिक लगाना है और आंसर यहाँ पे आपको वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे रटते जाओ, पॉज करते जाओ और देखते जाओ। 1 घंटा समय लगे ना, 1 घंटा याद करो, टॉप करोगे, गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आपके कल के पेपर में कोई भी सेट हो, ABCDEF आपने देखा होगा, यहां से क्वेश्चन
100% आपके हर सेट में आएंगे, वादा है, यकीन कर लो। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको 10 का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रस के कितने अंग होते हैं और आपको यहाँ पे प्रत्येक के नाम, तो रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और आपको यहाँ पे संचारी भाव। इसके बाद क्वेश्चन 11, तो 11 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए आपको मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कथन में हीरा का क्या आशय है, आपको आंसर यहां से लेकर यहां तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको 11 का क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको आंसर ये हो जाएगा। देखिए लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं, आपको आंसर ये क्वेश्चन, आपको आंसर यहां तक याद करना है। आपको यहां पे जो क्वेश्चन अलग दिए गए हैं, 12वां क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए 12वां क्वेश्चन, गया भागते बैल को क्यों नहीं पकड़ पाया, आपको ये क्वेश्चन याद करना है 12वें क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेट बी के हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेट बी क्वेश्चन आपके वहां पे ऑलरेडी आपके आंसर पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, यहाँ पे आपको सेट ई का आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वें का अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको ये मिल जाएगा। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है, स्क्रीनशॉट करते जाओ। इसके बाद क्वेश्चन यहां पे देखो कौन सा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको ये वाला देखिए, आपको यहां पे 13वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखते आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है रिपो तार से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आपके हर सेट के लिए याद कर लेना, सेट ई में आपका यहाँ पे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर करना है। इसके बाद 13वें का क्वेश्चन आपको ये वाला देखिए, क्या क्वेश्चन दिया है, कहानी और उपन्यास में आपको यहाँ पे दो अंतर आपको रट कर जाना है, आपको ये क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आपका 14वां, तो 14वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे मुहावरा क्या है, आपको इसका परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको याद करके जाना है, आंसर आपको यहां से यहां तक। बाकी आपके यहां पे ये क्वेश्चन निपात संधि आपके पिछले सेट बी में आपके ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। और आपको यहां पे 14 का आपका दूसरा क्वेश्चन दिखता है, आपको यहां पे ये क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय में आपको यहां पे अंतर याद करके जाना है। ठीक है, तो याद कर लेना, यही से क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन 17वां आपको यहां पे, इसके बाद 15 देखते हैं, इसके बाद हम 17 आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आपको आता है क्वेश्चन 15वां, तो ये क्वेश्चन आपका 15वां है, आपको यहां पे देखना है क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी का आपका क्या उद्देश्य है, आपको आंसर यहां से लेकर यहां तक करना है। और इसके बाद एक लाइन आपका आंसर यहां पे मिलेगा। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन, लेखक हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन को अंग्रेजी में कविता लिखने का क्या अफसोस रहेगा, आपको ये क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन आपका सेट बी में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आपने ऑलरेडी याद कर लिया होगा। अब यहां पे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16वां, तो देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16वां, आपको यहाँ पे चौपाई छंद की परिभाषा और आपको यहाँ पे पूरा देखिए, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं, रकुल रीत सदा चलियाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट बी में आया था। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका लिखा, देखिए क्या लिखा है, स्थायी भाव, आपको यहाँ पे संचारी भाव में आपको 16 का आपको अथवा आंसर, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है। ठीक है, इसके अलावा चाहो तो आप विभाव और अनुभव में अंतर भी याद कर सकते हो, मानवीकरण अलंकार याद सकते हो। यदि आपसे आता है तो आप इसे एक बार जरूर देखकर जाइए, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सभी को एक बार तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, तो 17वां क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएगा। देखिए संधि और समास में आपको अंतर स्पष्ट करना है, और इसके बाद आपको ये आंसर करने के बाद आपको अथवा क्वेश्चन, विज्ञापन लिखना सही तरीका क्या है, आपको स्पष्ट करना है, आपको आंसर यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 18वां, तो 18वां क्वेश्चन में आपको यहां पे आएगा, क्या आएगा आपका, एक अनुच्छेद लेखन। तो चलिए आपको यहां पे अनुच्छेद लेखन दिखाते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन यहां पे आपके पेपर में बनने वाले हैं। तो आपको यहां पे क्वेश्चन आएगा 18वां क्वेश्चन, जल संरक्षण पर आपको यहां पे अनुच्छेद लिखना है। और ये क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में वार्षिक उत्सव के लिए आपको अनुच्छेद, ये आपका सेट बी में क्वेश्चन आया था और आपका यहां पे सेट ई में भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पूछो जिएगा कि भाई साहब मेरा ए सेट है तो यहाँ पे आपको वो पढ़ना है, बस मेरे यहाँ पे 2 सेट पढ़कर जाओ और कल के पेपर में गर्दा मचा कराओ ये क्वेश्चन, और इसका आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां, आपको ये मिल जाएगा, आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपका ये दिया है। देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सेट बी में आपका ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो इसमें आएगा, आपको यहाँ पे ये वाला आपका पद्यांश, और आपको यहाँ पे इसका आपको शीर्षक, देखिए काव्यांश को पढ़कर आपको शीर्षक और साथ में आपको अनगाया शब्द का क्या अर्थ है और उपयुक्त काव्यांश का आपको भावार्थ, आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है। और इसके बाद आपका इसके अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था आपका सेट बी में, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन
अगर मनुष्य एक कर्तव्य बोध नहीं है, आपको यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन गद्यांश का उपयोग शीर्षक और साथ में गद्यांश का आपका सारांश और यहाँ पे उस शिक्षा योग्यता कब उपयोगी है आपको आंसर इसे रटकर जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 20वां। तो इसमें आपको सिंपल तरीके से आपको काव्यांश को पढ़कर आपको संदर्भ और प्रसंग करना है। आपको ये क्वेश्चन देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपका सेट बी में आया था, ये दोनों क्वेश्चन। और इसमें आपको मानसरोवर सुभर जल हसा केली कराही मुक्ता फलाक मुक्ता अब उड़ी अनंत न जाही, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। और इसके दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा है तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर सा झलक रहा सहमत भूतल पर झुका हुआ नप पर चीर निर्मल फलक। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे उत्तर आपका दे दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 21वां। तो आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पिछले आपके यहाँ पे क्वेश्चन सेट बी में आया था ये क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे याद करना है संध्या समय वाला। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको ये आंसर याद करके जाना है। और आपका यहाँ पे 21वां अथवा क्वेश्चन आपको ये देखिए, आपको यहाँ पे गद्यांश की बात कर रहा है तो आपको आंसर तब मैंने तब कौवा डैश डैश शरद के लिए, आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको इसे याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वां। तो 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, आपका एक आता है इसमें सिंपल तरीके से आपको लिखने के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद करना है अपने विद्यालय के प्रचार में 3 दिन के लिए अवकाश के लिए आपको यहाँ पे एक पर्चा पत्र इसे याद कर लेना और पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई के लिए आपको यहाँ पे एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, आंसर पूरा आपको यहां तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपको यहां पे आता है एक आपका निबंध। तो देखिए आपको यहां पे निबंध क्या याद करना है छात्रों, आपको सिंपल तरीके से आपको यहां पे क्वेश्चन 23 में आपको यहां पे विज्ञान का चमत्कार इसे रट कर जाना, पूरा क्वेश्चन प्रस्तावना, इसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, इसके बाद कृषि के क्षेत्र में और यातायात के क्षेत्र में, और आपको आगे यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में क्षेत्र में दैनिक जीवन में उपयोग विज्ञान के अभिशाप, और आपको यहाँ पे लास्ट में उपसंहार। और आप यहाँ पे चाहे तो आपका राष्ट्रीय पर्व वाला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, तो आप इसे देख लेना पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर और आपको यहाँ पे आंसर इसका प्रॉपर मिलेगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे COVID-19 आपको ये क्वेश्चन चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो, यदि आपसे यहाँ पे आप इसे याद करना चाहो तो प्रस्तावना कोरोना वायरस क्या है, और इसके साथ आपको यहाँ पे पूरा आपका पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद क्या है इस बीमारी के लक्षण, और आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के जब हो जाए तो क्या किया जाए, और आपको यहाँ पे अगला आपको बचाव के उपाय आपके, इसके बाद मास्क कौन सा आप कैसे पहने और मास्क पहनने का तरीका, और आपको यहाँ पे कोरोना का खतरा कैसे कम करें इसके उपाय, और कोरोना संक्रमण फैलने से कैसे रोके, और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको उपसंहार। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 23 क्वेश्चन कंप्लीट आपके सेट ए के पूरे करवा दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको धमाकेदार लगा हुआ, ये 2 सेट आपका यहाँ पे पढ़ के जाना, आपका यहाँ पे सेट बी, और इसके बाद आपका ये जो आपको मैं यहाँ पे पेपर नहीं दिखाया लेकिन आंसर दिखाया मैंने सेट ई, दोनों पेपर करने के बाद धमाल और गर्दा मचाकर आओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट देते हैं कि यहाँ से आप पढ़कर जाओगे तो आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे, इसकी गारंटी है। वंदे मातरम।